दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं अभी जो आप देख रहे हैं दीवान ई आम जिसको कहते हैं वो रेड फोर्ट में है, इसके बारे में अभी डिस्कशन करूंगा। पहले आप देख लीजिए दीवानी आम क्या होता है। ये रेड फोर्ट के अंदर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रेड फोर्ट के अंदर है। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। बात यह है ये जो दीवानी आम आप देख रहे हैं ये पब्लिक ऑडियंस जो कहते हैं ना उनका प्रॉब्लम्स जो होता है ग्रीवेंसेस होता है उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे शाहजहाँ ने शुरुआत किए थे दीवान ई आम, जिसको आप ये बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज के डेट में लोगों का कोई प्रॉब्लम होता है तो उनका समाधान के लिए उनका जो प्रॉब्लम होता है लोगों का उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एड्रेसेस ग्रीवेंसेस सेल होता है। ठीक उसी ज़माने में क्या होता था, मतलब शाहजहाँ यहाँ पे दीवान ई आम बनाए थे। और यहाँ पे ऐसा है आप अगर देखेंगे बाहर से ये रेड सैंडस्टोन से बना है, अच्छे से देख लीजिए रेड सैंडस्टोन से बना है। अगर आप अंदर जाएंगे, मैं अभी अंदर के तरफ कोशिश करूँगा जाने के लिए और आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा कि असल में यहाँ पे कैसे क्या चीज़ होता था। जैसे मुझे एक गाइड बुक मिला है, मैं अभी वहीं से देख रहा था। दीवानी आम जो होता है आम जनता का जो प्रॉब्लम होता है जो मुसीबतें होता है उसको सॉल्व करने के लिए यहीं पर मतलब बादशाह जो शाहजहाँ थे जो ये पूरे लाल किला को बनाए थे, दिल्ली सिटी भी शाहजहाँबाद कहते हैं उसको बनाए थे, यहाँ पर सुनवाई कर रहे थे। मतलब आप चलिए दिखाते हैं आपको, ये पूरा रेड सैंडस्टोन का है। देखिए पहले ये बाहर से ऐसे दिखता है और जो आप देख रहे हैं ना वाइट वाला उस तरफ हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे कहाँ पे शाहजहाँ बैठ के अपना जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स जो प्रजा राजा होते थे ना वो प्रजा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कैसे है। इसको झरोका दर्शन भी कहते हैं। झरोका दर्शन जो चीज़ें होता है ना जो ट्रेडिशन होता है झरोका दर्शन यहीं पे हो रहा था। तो चलिए पहले देख लेते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं। तो आप देख सकते हैं आप लोग गाइड लेते गाइड ये जो है आप देख रहे हैं यहीं पर झरोका दर्शन होता था। झरोका दर्शन मैं थोड़ा सा घुमा के आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी तरह से मार्बल से व्हाइट मार्बल से बना है, आप देखिए। थोड़ा सा पास होके जाता हूँ, बिल्कुल पास आ गया मैंने। यहीं पर शाहजहाँ बैठते थे और ये ऊपर थोड़ा अगर देखेंगे ये टॉम जैसा है, मतलब टॉम नहीं कैनोपी जैसा है, जो बंगाल स्टाइल का रूफ होता है ना वहीं पर उस तरह से देखिए। और थोड़ा अच्छे से मतलब ये जो देख रहे हैं अभी शीशा लगा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लाल किला जो है वॉल हेरिटेज साइट में तो आता है ना, तो इसलिए आप देख लीजिए ये पूरा वाइट मार्बल से बना है, वाइट मार्बल से। और यहाँ पे झोरों का दर्शन होता था और बगल में जो ये देख रहे हैं ना ये जेल होता है, ये जेल होता है, मतलब सुनवाई के बाद लोगों का क्या कहते हैं दिक्कतें जो प्रॉब्लम्स होता था कोई भी डिस्प्यूट होता था यहाँ पे बादशाह सॉल्व कर रहे थे। और सॉल्व होने के बाद जो मान लीजिए कॉल्प्रिट है जिसका मतलब विचार के बाद सेटल के बाद उनको जेल में डालते थे, ये हुआ जेल आपका। और बादशाह जो है ऊपर से आ रहे थे, ऊपर से भी गेट देखिए ये पूरा मार्बल से बना है। और उसके नीचे जो है आप मार्बल का जो डाइस बोल सकते हैं वो मतलब फोर लेग है उसमें देख लीजिए, चार लेग है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनका जो वाजिर थे ना वाजिर मतलब जो लिखते थे वहीं पर बैठते थे और ऊपर जो है शाहजहाँ बैठे थे। तो चलिए और थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, यहाँ जितना पॉसिबल है आपको समझा रहे हैं। बस इतना चीज़ ध्यान रखना है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए और स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, झोरों का दर्शन जो होता है कहाँ पे होता था
तो आपको याद रखना है लाल किले के अंदर दीवानी आम जिसको कहते हैं उसको झरोका दर्शन भी कहते हैं, मतलब झरोका जैसा है कि नहीं, वहाँ से ऊपर बैठ के जो बादशाह थे शाहजहाँ वो कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये जो ट्रेडिशन है झरोका दर्शन वो चलता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ मैं बता देता हूँ। बाद में क्या हुआ, जब औरंगजेब आए, औरंगजेब ने इसको मतलब बंद कर दिए, मतलब झरोका दर्शन जो चल रहा था शाहजहाँ और जहांगीर और भी कई सारे वो ट्रेडिशन मेंटेन कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये झरोका दर्शन जो है औरंगजेब ने बंद कर दिया। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में दो चीज़ ध्यान रखना है, दीवानी आम जो होता है, आम दरबार कहते हैं, मतलब जनता के दरबार कहते हैं, जो ऑडियंस होते हैं पब्लिक होते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बना था। ये कौन बनाए थे क्वेश्चन आ सकता है, ये है आपका शाहजहाँ। इतना चीज़ आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और दूसरा चीज़ ये है, ये दीवानी आम आप फिर से देख लीजिए, फिर मैं और कुछ बता दूंगा आप लोगों को, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो दीवानी आम आप देख रहे हैं पूरा रेड फोर्ट के अंदर है, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंसेस कहते हैं इसको, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंसेस। इट वाज द वेन्यू फॉर एम्परर्स इंटरेक्शन विथ हिज सब्जेक्ट्स। ये वेस्टर्न या पश्चिम दिशा के ओर ये फेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये रेड सैंडस्टोन से बना है, और जहाँ पे थ्रोन है ना वो वाइट मार्बल से बना है, और वहाँ जो बैठते थे बादशाह शाहजहाँ उनको नसीमन ई जी इलाही कहते थे, मतलब जो शाहजहाँ थे वहाँ बैठ के अपना क्या कहते हैं पब्लिक का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे थे, झरोका दर्शन कर रहे थे, झरोका दर्शन दे रहे थे, तो उनको शैडो ऑफ गढ़ कहते हैं। मतलब पहले क्या होता था, बादशाह जो भी है मुगल बादशाह उन लोगों को मतलब वो सुल्तान हो चाहे बादशाह हो वो खुद को गॉड का सिंबल समझे थे, मतलब दे वर कॉल्ड एज शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, इतना सा चीज़ है, मैं आपको धीरे धीरे बता दिया, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसके बारे में जो कुछ चाहिए था वो समझ लिया। फिर हम रेड फोर्ट के अंदर जितने भी रंग महल है, दीवानी खास है, जो कुछ है सारे के ऊपर हम लोग लेसन बनाएंगे। आप बने रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज़।